अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अफशल और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव TV 24। सहारनपुर स्थित एक होटल में योम जमहूरियत के मुबारक मौके पर कौमी एकता मुशायरे का आयोजन हुआ, जिसमें नन्हे शायर नूर देवबंदी ने अपने कलाम से सभी साइमन को झूमने पर मजबूर कर दिया। छोटी सी उम्र में बड़े बड़े शायरों पर भारी पड़ गए छोटे उस्ताद। शेर सुनकर विख्यात शायर भी दाद देने पर हो गए मजबूर। आपको बता दें, देवबंद के मशहूर शायर नईम अख्तर के पुत्र नूर देवबंदी मात्र 10 साल की उम्र में गजब का तरन्नुम और शायरी करने लगे हैं। उनके शेर सुनकर लगता नहीं कि वह इतनी सी उम्र में इतनी अच्छी शायरी का हुनर जानते हैं। यह नन्हे शायर दर्जनों मुशायरों में अपने कलाम से लोगों को मंत्रमुग्ध कर चुके हैं। इनके वालिद नईम अख्तर की गिनती भी बड़े शायरों में शुमार होती है। अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए नूर देवबंदी भी 10 साल की उम्र में शायरी के फन में महारत हासिल कर चुके हैं। सहारनपुर में हुए मुशायरे के दौरान इन्होंने अपने कलाम से साइमन के दिलों पर ऐसी छाप छोड़ी कि इन्हें फूल मालाओं से लाद दिया गया। शेर सुनाकर इस नन्हे शायर ने साइमन से खूब वाहवाही लूटी और दात हासिल की। इनकी शायरी सुनकर लोग कहने पर मजबूर हो गए कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। Thank you.